एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, तो आज बताइए कहाँ जा रही हूँ मैं? शादी में? नहीं, शादी में लॉकडाउन कहाँ से शादी होगी। तो मैं जा रही हूँ मेरी ससुराल यानी कि गांव। और आज कुछ खास डे है, जो कुछ स्पेशल डे है, हर किसी के लिए होता है ये डे स्पेशल, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, हर किसी के लिए स्पेशल डे होता है। तो हम गाँव जा रहे हैं, है ना। और ये सेल्फी ले रहे हैं, ये देखिए सेल्फी। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। सुबह घर जाना है। और तो आज मैंने देखिए कौन सी साड़ी पहनी, ये ग्रीन कलर की पहनी हुई, इस तरह की है ये। और इस पर मैंने एक मेकअप लुक भी किया था, निकाला था घर, थोड़ा सा मैं ऐसी है, माइंड मत लीजिएगा। तो अभी हमें निकलना है ना, चलना कहाँ? बस करो फोटो खींच मेरी फोटो कर, इससे खींच लेंगे ना अभी। तो वो बस अभी हम लोग रेडी हैं, गाड़ी इनके दोस्त हैं, वो अभी जब देंगे जब जाएंगे, वेट कर रहे हैं बैठ कर। तो थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी जस्ट अभी आधे घंटा हुआ है, आधा घंटा लगभग हुआ है, और हम गांव आ गए हैं। बिंदी बिंदी निकल गई है मेरी, हेयर की कंडीशन आप देख सकते हो। और रिंजु का आओ, रिमझिम से मिल लीजिए मेरी बिटिया रानी से। ये देखिए हाय आ गए। फिर उस दिन रो रही थी ना, कैसे रो रही थी, फिर रो दो, ऐसे रो रही थी। तो अभी आधा घंटा हुआ, रेस्ट कर रहे थे हम। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमने कहा थोड़ी देर के बाद आप लोगों से बात करेंगे, है ना रिमझिम, है ना। देखी थी अपना वाला ब्लॉग? नहीं देखी थी क्या? नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं देख पाती बेचारी। तो अभी नहा ली ना? अभी नहा ली है, ये लोग रेडी नहीं हुई है। ये कौन है? हाय करो। तो चलिए थोड़ी देर से आप लोगों से मिलते हैं हम। देखो क्या कर रही, उठा, ये क्या है बेटू, दिखा दो। तौलने जा रही हो? क्या तौल रही हो? आटा तौल रही हो? बता दो पूछो आटा। नहीं उठा 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 दो। अरे दादी क्या कर रही हैं? दादी काम कर रही हैं। अच्छा उठाओ, नहीं उठाओगी क्या? नहीं उठाओगी? हाँ गाइस, यहाँ पर आटा चल चुका है। और जो घर का आटा होता है ना, उसे अच्छे से चालना पड़ता है, क्योंकि चोकर बहुत ही ज़्यादा निकलता है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले मैंने कभी इस तरीके से आटा नहीं लगाया था। पहले तो मैं देख रही थी, गांव कई बार आई थी, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा इतने लोगों का, मतलब काफ़ी लोग थे, 100 से 150 आदमी लोग थे। तो सभी का आटा हम लोगों ने लगाया था, मतलब मैं मिक्स करके दे रही हूँ, और ये जो मेरी देवरानी है यानी कि विक्रम की वाइफ, वो मतलब सान रही थी। तो बस इसी तरीके से हम लोग आटा सान रहे थे, और आटा सन चुका है। और यहाँ पे पूड़ी छानने की, कचौड़ी छानने की तैयारी हो रही है, जिसके लिए कढ़ाई में पहले डालडा डाला जा रहा है। तो बस इसी तरीके से सारा कार्यक्रम धीरे धीरे से हो रहा था। पकड़ जाएगा या तो फिर फेस उसका जो है ना, क्या कहते हैं, पंखा उधर करके लगाओ तो पूरा धुआं बाहर निकलेगा। लड़का का कष्ट सही है कि लड़के बड़े हैं, है ना, सारा। इसके बाद हम बैठ गए हैं पूड़ी मतलब बेलने के लिए। तो मैं थोड़ी सी पूड़ी बेल ली थी, फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और इस टाइम में क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, बता नहीं सकती, मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी गर्मी, क्या बताऊँ। आप देख सकते हो मैंने साड़ी भी चेंज कर दी, और जब आटा लगाना था तो चूड़ी भी उतार दी, क्योंकि इतनी चूड़ी पहन कर मेरे से आटा नहीं साना जा रहा था। और यहाँ पर मतलब काफ़ी जल्दी जल्दी लोग बोल रहे थे जल्दी जल्दी करो, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर भी उस हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की, और साइड में देखिए पूड़ी मतलब की कढ़ाई चढ़ी हुई है पूड़ी को तलने के लिए, और मम्मी बैठी हुई हैं, और ये विक्रम जो है जिनको मैं बोल रही थी, उनकी उनकी मतलब वाइफ है, तो ये हैं सामने बैठे हुए उनके हस्बैंड जी। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये मेरे देवर हैं यानी मौसी या सास की बहू हैं, तो बस वही है। तो सभी लोग यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे थे, जब गांव के जो औरतें हैं वो आने लगी, बुआ लगे जो भी है, तो उनके सामने हमें पल्लो करना था, इस वजह से। और मुझे फिर घुटन होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी थी,
फिर ऐसे में उठ के जाना भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि था तो हमारे बेटे का ही जन्मदिन ना, तो मेहनत तो करनी थी तो बस इसी वजह से लगे पड़े थे। और आपको जैसा मैंने बताया कि इससे पहले ये सारी चीज़ें मैंने कभी नहीं की थी, लेकिन फिर भी एक हिसाब से कल ले गई। और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब थी, तो पहले यहाँ पर पूड़ियाँ सारी मतलब कचौड़ियाँ बेली जा रही हैं, कचौड़ी का आटा अलग लगा था और पूड़ी का अलग लगा था, तो बस इसी तरीके से हम सब लोग कर रहे हैं। और जब दो तीन औरतें और आ गई थी ना, तो फिर जगह भी नहीं था, तो वहाँ पर आगे ये देखिए वहाँ पर बीच में जो बरामदा टाइप का था ना, वहाँ पे बिछा दिया गया। और एक चीज़ आप लोगों को और बता दूँ कि इसी अगस्त में मेरी बाबू का भी बर्थडे था 7 दिन के बाद, और पिछले साल हम लोगों ने यही किया था जब मेरी बाबू का बर्थडे आया था, ये पहले पैदा हुए थे उसके 7 दिन के बाद मेरी बाबू का बर्थडे आया था, तो मैंने और बाबू के पापा ने यही डिसाइड किया था कि अब हम दोनों का साथ ही करेंगे, क्योंकि 7-8 दिन का गैप है तो क्या अलग करें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, कोई नहीं, अब जल्दी मेरी बाबू का भी बर्थडे आ रहा है तो मैं ज़रूर करूँगी उसका, लेकिन सिंपल तरीके से, तो वो भी आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। और इस बार साथ में नहीं हो पाया। तो गाइस अभी जस्ट हम आए हैं पूड़ी बेलकर, और हमारी उड़ी है क्या हवाइयाँ, ये देखिए 3 घंटे से लगातार हम लोग लगे हैं पूड़ी, पहले तो आटा लगाए फिर उसके बाद पूड़ी, और जस्ट अभी मैं आई मेरे पूरे फेस पे पसीना पसीना है, अंदर अंधेरा इस वजह से दिख नहीं रहा, और हाथ धुलना बाकी है, प्यास लगी है, हालत एकदम खराब सी हुई पड़ी है क्या बताऊँ, जिंदगी में ये काम मैंने पहली बार किया है, मतलब ससुराल आई तो हूँ लेकिन ये सिचुएशन कभी नहीं हुई किस तरीके से हमें जो है पूड़ियाँ बेलनी पड़ी और घूंघट काट के हवाइयाँ उड़ गई, हमारी हालत खराब हो गई ना। और ये अंदर अंधेरा है, मैं खिड़की के पास बैठ कर बना रही हूँ वीडियो, अभी जा रही हूँ हाथ वोट धुलूँगी, अभी नहीं धुली हूँ बाथरूम में जाऊँगी, और बाहर खाना बन रहा भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये चिल्ले पार्टी देखा सबको, अभी बैक कैमरे से दिखाती हूँ ठीक है। और लिप कलर देखिए निकल रहा है, हाँ रही हूँ, ये लोग देखे झांक रहे हैं, ये चाची के लड़के हैं मेरे दोनों, हाय। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। ये देखिए यहाँ पर हलवाई लगे हैं जो बना रहे हैं सब्जी, सब्जी वगैरह पनीर की सब्जी है, आलू और कोहड़ी की सब्जी है, और खीर ये समय जो भी बोलते हैं, तो वो हलवाई आए हैं बना रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए बाहर ये खड़े हुए हैं, साइड में मेरे देवर हैं और गांव के हैं, तो देवर ही लगे उतना मुझे नहीं पता है, तो थोड़ी सी क्लिप मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है हलवाई, 100 या 150 आदमी का लगभग खाना पीना था, तो सभी सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी। दूसरा जो व्लॉग आएगा उसमें आपको बर्थडे वगैरह दिखेगा, क्योंकि इस व्लॉग में उतना ज़्यादा मैं हो सकता ना दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर बन रही है अभी कद्दू की सब्जी यानी कि कोहड़ी की सब्जी, ये देखिए इस तरीके से, और जो बना रहे हैं हलवाई, तो बस इसी तरीके से सारा खाना पीना बना है। तो चलिए मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है। अभी जस्ट मैं मुंह धुल के आई हूँ, और कंडीशन हवाइयाँ उड़ी हैं सबकी, हालत खराब है सब लोगों की, गर्मी से समझ लो सब बेहाल हैं, ये देखिए हालत खराब है कंचन, हाँ बहुत ज्यादा यार सबकी हालत खराब है, एकदम से पूछो ना हमेशा ना, आप देख सकते हो क्या बनकर आई थी, क्या बन गई वो हीरोइन बन के आई है, वो बन गई है जीरो, नहीं अब गांव की नहीं यार, गांव में भी ऐसे नहीं रहते, इतना हालत खराब हो गई है, ऐसे तो रहते जैसे जो मेकअप नहीं करता नॉर्मली रहते, मतलब इतना सस धस के आई थी, सब कुछ चला गया, चूड़ी भी चली गई मेरी, नंद ने मेरी चूड़ियां ले ली, देख लो चूड़ी ले ली, कान का ले लिया, और साड़ी तक उतरवा ली, देखो साड़ी भी कौन सी पहना दी, नॉर्मली साड़ी इसलिए पहने कि कुछ कर सके, नहीं आती बस लेटी रहती है, इधर उधर भाभी आए काम करने के लिए आई है कि खाने के लिए आई है, देख लो सुन लो आप लोग, हमको बोल रही खाने के लिए आए है कि काम करने के लिए, देख लो यही होता है नंद, या ऐसी होती है नंद, देख लो आप इतनी देर से आए हैं काम में, लगे पढ़ाई हैं, मतलब वहाँ गई थी वहाँ की कसर यहाँ निकाल रही, वहाँ की कसर यहाँ निकाल रही ना, वहाँ आप तुम्हारी कसर मेरा यहाँ खुद ही कसर निकला हुआ था, मिलकर क्यों ना निकाले, साथ में दोनों ननंद भौजाई के निकलना चाहिए ना, कविता की भी कसर निकली हुई है,
बेटा की गर्मी से हालत खराब है, सबकी हालत खराब है यार, सारा मेकअप वेकअप सब चला गया, उलझन लग रही है। मुंह धुल लो थोड़ा सा तो आराम मिल जाएगा, ठंड पानी चली जाए वही ड्रम में। अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा तो फिर हम लोग नहाएंगे, क्योंकि मेरी कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब है। सब हो जाने दो, फिर शाम को नहाना चला के पानी नहा लेगा, मुझे तो नहाना ही पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी देर से मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? बर्थडे का मजा ले ले, बेटे का मजा तो ऐसे होता है। चल जाना क्या हो, मौसम ठंडा हो अच्छा, धूप हट जाए फिर छत में जाइएगा। तो वो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है? पूड़ी वगैरह बन चुकी थी, अभी जस्ट शाम का टाइम था, लगभग पता नहीं कितना बज रहा था, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर मम्मी आई थी भैंस लगाने के लिए, यानी कि भैंस को दूहने के लिए, तो मैं भी साथ में आ गई थी, क्योंकि ये जो बना हुआ है ना, इससे पहले हमारे घर के बाहर जो भैंस वगैरह होती थी तो वो घर के बाहर बांधी जाती थी, लेकिन फिर बाद में यहाँ बन गया था। तो इससे पहले मैं कभी नहीं देखी थी कि कहाँ बना है, कैसा बना है। तो मैंने कहा चलो मम्मी मैं भी चलती हूँ, पिछली बार आई थी तो घूम के गई थी, झूला वगैरह खेत वगैरह घूम ली थी, क्योंकि जब भी आती थी जब भी कभी मौका ही नहीं मिलता था बाहर निकलने का घर से, फिर डायरेक्ट अपने घर। फिर इस बार मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके अब हर जगह घूम लेती हूँ, क्योंकि 4 साल तो हो ही गए हैं, और ये मेरे हैं चाचा, यानी कि चाचा ससुर जिनको बोलते हैं, तो इसलिए मैंने पल्लू कर लिया था। और बाबू को देखे कितना एंजॉय कर रही, वो भी साथ में आ गई थी, और ये है मेरी नंद जो वो भी मेरे साथ आई थी। तो अभी लगानी थी इनको भैंस, तो वही मतलब दूना था, तो वही हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मैं खड़ी थी, तो मैंने कहा चलो दूले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इससे पहले चाची भैंस लगाती थी तो दूती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि वो दूध ही नहीं दे रही थी, क्योंकि कहते हैं जिसके हाथ से लगती है फिर उसी के हाथ से आदत हो जाती है। तो बस इसी तरीके से हम लोग खड़े थे। तो अब चलते हैं हम लोग घर पर, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर से, ठीक है? बाबू क्या है, अरे अरे क्या है, देखो देखो दोनों 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 देखो देखो वो दीदी कहीं है, नहीं रुको आगे का गरम छत ही ना। सो गाइस, तो गाइस अभी हम लोग आए हैं छत पर, और हालत सुबह से एकदम खराब है, कितनी बार बोल चुकी हूँ आप लोगों को, बात से समझ में आ गया होगा, है ना? हालत खराब है तुम्हारी? नहीं खराब है, सालू की नहीं खराब है, सालू हंस रही है। तो अब जा रहे थोड़ा सा कंघी करेंगे, मुंह धुलेंगे, मुंह तो बस मैंने वैसे धुला था खाली पानी से, तो मेकअप रिमूव करूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा फाउंडेशन लगा। बाबू को देखिए मौके पे चौका मार रही है, तो मेकअप रिमूव करूंगी मैं और कुछ भी नहीं लगाऊंगी इसके बाद, गर्मी क्योंकि बहुत लग रही है। तो यहाँ पे मेकअप रिमूव करने के लिए मैं लाई हिप हॉप का स्किन केयर है, काफी अच्छा है, इसी से मैं अपना मेरा मेकअप जो है वो रिमूव करूंगी, है ना बाबू? हाँ दिखाओ मुंह, दिखाओ क्या खाई मुंह। तो बस इसी से हम अपना मेकअप रिमूव करेंगे, और थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। तो बस चूड़ियाँ भी मैंने डाल ली हैं, और अभी हम आए हैं छत पर, तो कंडीशन थोड़ी सी सही है अब, है ना? हालत ठीक है अब थोड़ी थाड़ी। तो जा रहे हैं हम मुंह धुलने के लिए, मिलते हैं थोड़ी देर से आप लोगों से, ठीक है? शाम के बज चुके हैं अभी 6:30 हो रहे हैं ना, 6:30 लगभग 7 बजने वाले हैं, और मैं रेडी हो गई। रेडी क्या, क्रीम लगाई हूँ, लिपस्टिक और बिंदी, थोड़ा सा पाउडर, और अब मैं ब्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ, दूसरा ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना? तो बस चूड़ियाँ वगैरह मैंने चेंज कर ली हैं, जैसे मैंने बताया था, मौसम काफ़ी प्यारा हो गया है, हवा नहीं चल रही है, गर्मी गर्मी है, ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। क्या हुआ और उसको मैंने तिलक लगा दिया तो बहुत रो रहा है, रिमझिम इधर आओ, ब्लॉग का एंड नहीं करवाओगी? बोलो करी, तो बाय तो बोल दो सबको, बाय। बैठो तो पहले, कहाँ जा रही हो? ये मुझे क्या बोल रही है, मैं मारोगी क्यों, मेरी तो बच्ची है, तो मेरी तो इससे मेरी मुलाकात यहीं पे हो पाती है, और ऐसे तो हो नहीं पाती है ना। और बिंदी बड़ी लग रही है ना, साड़ी भी मैंने चेंज कर ली है। तो बस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, और यहाँ से जो हमारा ब्लॉग है, दूसरा ब्लॉग है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो बाय बाय, गुड नाइट।